हिमाचल के जोगिंदर नगर में जो शानन पावर प्रोजेक्ट है हाउस है हमारा, इसमें हमारे बहुत ही माननीय रविंद्र पाल सिंह जी, इन्होंने ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA का कंटेस्ट भी किया है। तो ये आए थे हमारे उधर पंजाब में, तो इन्होंने बोला कि हमारे एक शानन पावर हाउस है जो पंजाब का है, और वो बड़ी अच्छी सी 110 मेगावाट सप्लाई जो है, जनरेशन जो है, वो यहाँ से कर रहा है। सो हमने इसका आज दौरा किया है। हमारे एक्सियन साहब, एससी साहब अजीत जी, हमारे सीनियर एक्सियन सतीश जी और पूरा स्टाफ जो यहाँ का है, हमने उनके साथ मीटिंग भी की है, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। तो इसको कुछ रेनोवेट करने की बात सामने आई थी। ज़्यादातर तो हमने ये देखिए रेनोवेट कर ही दिया है, और कुछ उधर का जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो हम जल्द जो सॉल्व करेंगे, पूरी करेंगे। और हम इस प्रोजेक्ट को, ये जो कर्नल बेटे ने 1932 में बनाया था, उस समय पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमें दिया था, और आज बड़ी सफलतापूर्वक ये जो प्रोजेक्ट है हमारा चल रहा है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से चलाया जाए, ताकि जो ये पंजाब की बिजली सप्लाई और जो हिमाचल को भी हम दे रहे हैं उसका भी अच्छी तरह से जो पर है प्लान वो किया जाए, ताकि ये पावर प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम करे। 2 महीने पहले देखिए ये 132 KV का है, आइसोलेटर चेंज, आइसोलेटर इसके भी हमने चेंज किए है, 1.5 करोड़ का काम था लगभग। हाँ, लगभग हमने 1.5 करोड़ का ये भी काम किया, और आने वाले समय में हम जो बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो जल्द सॉल्व करेंगे, और साथ में कुछ हमारा स्टाफ भी कम है, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि वो स्टाफ जो है वो पूरा किया जाए, ताकि हमें किसी की तरह की कोई दिक्कत ना आए इस पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। हिमाचल के जोगिंदर नगर में जो शानन पावर प्रोजेक्ट है हाउस है हमारा, इसमें हमारे बहुत ही माननीय रविंद्र पाल सिंह जी, इन्होंने ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA का कंटेस्ट भी किया है। तो ये आए थे हमारे उधर पंजाब में, तो इन्होंने बोला कि हमारे एक शानन पावर हाउस है जो पंजाब का है, और वो बड़ी अच्छी सी 110 मेगावाट सप्लाई जो है, जनरेशन जो है, वो यहाँ से कर रहा है। सो हमने इसका आज दौरा किया है। हमारे एक्सियन साहब, एससी साहब अजीत जी, हमारे सीनियर एक्सियन सतीश जी और पूरा स्टाफ जो यहाँ का है, हमने उनके साथ मीटिंग भी की है, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। तो इसको कुछ रेनोवेट करने की बात सामने आई थी। ज़्यादातर तो हमने ये देखिए रेनोवेट कर ही दिया है, और कुछ उधर का जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो हम जल्द जो सॉल्व करेंगे, पूरी करेंगे। और हम इस प्रोजेक्ट को, ये जो कर्नल बेटे ने 1932 में बनाया था, उस समय पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमें दिया था, और आज बड़ी सफलतापूर्वक ये जो प्रोजेक्ट है हमारा चल रहा है। हम हर संभव कोशिश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से चलाया जाए, ताकि जो ये पंजाब की बिजली सप्लाई और जो हिमाचल को भी हम दे रहे हैं उसका भी अच्छी तरह से जो पर है प्लान वो किया जाए, ताकि ये पावर प्रोजेक्ट अच्छी तरह से काम करे।